अब क्या करेगी स्माइली? बच्चों, मेरी गलती से स्माइली का मैग्नीफाइंग ग्लास टूट गया। ओहो, स्माइली को देखकर ही लग रहा है कि वो उदास है। उदास क्या होता है मम्मी? जब कभी हमें अच्छा महसूस नहीं होता, मूड खराब सा लगता है, हंसी नहीं आती, कभी कभी रोने या फिर किसी से बात करने का मन नहीं करता। रोमा आंटी, पर मैंने तो आपको नहीं बताया कि मैं उदास हूँ, फिर आपको कैसे पता चला? क्योंकि स्माइली, तुम्हारी आंखों में थोड़े आंसू थे, गर्दन झुकी थी और ऐसा लग रहा था कि तुम बात नहीं करना चाहती। सही कहा ना मैंने? हाँ आंटी, बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है, पर मुझे ये उदासी वाली भावना पसंद नहीं है। कोई बात नहीं स्माइली, पर हमें ये याद रखने की जरूरत है कि किसी भी भावना को महसूस करना गलत नहीं है। हम सब कभी न कभी उदास महसूस करते ही हैं। माँ, याद आया, जब आप ऑफिस के काम से बाहर गए थे तब मुझे भी ऐसा ही महसूस हो रहा था। मतलब मैं भी उदास महसूस कर रही थी। हाँ बिल्कुल सही। आंटी, अब मैं क्या करूँ? हाँ, मैं जानती हूँ, स्माइली के लिए नया मैग्नीफाइंग ग्लास खरीदना चाहिए। हाँ वो एक तरीका है, पर हम एक नया मैग्नीफायर लाएं या ना लाएं, वो तो बाद की बात है, पर जरूरी ये है कि हम अपने उदासी को समझें और बेहतर महसूस करने के लिए कुछ करें। उसके लिए क्या कर सकते हैं मम्मी? बच्चों, हम कैसा महसूस करते हैं ये इस पर निर्भर करता है कि हम क्या करते हैं। मतलब अगर तुम अपनी पसंद की चीज करती हो, जैसे कि ड्राइंग करना, तो तुम्हें कैसा लगता है? बहुत अच्छा मम्मी। तो बस जब तुम उदास हो तो ड्राइंग करने की कोशिश करो। पर आंटी, मुझे तो ड्राइंग बनाना उतना पसंद नहीं है। तो तुम्हें क्या पसंद है? मुझे तो पार्क में पेड़ पौधों के बीच टहलना पसंद है। हाँ स्माइली, तो तुम बेहतर महसूस करने के लिए थोड़ी देर टहल सकती हो। उदासी या फिर किसी भी तरह की भावना को संभालने और बेहतर महसूस करने के सबके अपने अपने तरीके होते हैं। माँ, आप क्या करती हैं जब आप उदास हो जाती हैं? कभी कभी तो 2-3 गहरी लंबी सांसें लेती हूँ और बेहतर महसूस करती हूँ, या फिर कभी कभी मैं अपने परिवार से, जैसे कि तुमसे या अपनी किसी सहेली से बात करती हूँ। ऐसा करने से मुझे बेहतर लगता है। हाँ ये भी एक अच्छा तरीका है, मैं भी ये कर सकती हूँ। थैंक यू आंटी, आज आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा और हमें अलग अलग भावनाओं को संभालने के तरीके भी पता चले। बच्चों, जब आप उदास होते हैं तो क्या करते हैं? आप भी हमारे जैसे कुछ नए तरीके सोचें उदासी या फिर किसी भी भावना को संभालने के लिए, और उसके बारे में अपने दोस्तों और परिवार वालों को बताएं। बाय बाय बच्चों, अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे।